जय हिंद एवरीवन, दिस इज एकता राय बिफोर यू, एसोसिएटेड विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एज एन एकेडमिक हेड एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मैं फिर से आपके सामने स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8 लेके आई हूँ। और आज के इस सेशन में हम फ्रेजल वर्ब का ग्रामर डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप एक एक करके हमारे वीडियोस को देखेंगे और उन पे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम आपको और भी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में ग्रामर ऑफ फाइट शाय ऑफ, ये ग्रामर फ्रेजल वर्ब की ग्रामर है। फाइट शाय ऑफ, इस फ्रेजल वर्ब का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है नानी याद आना। हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ भी हमारे सामने ट्रबल होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो हम कहते हैं, अक्सर ऐसे बात करते हैं कि हमें नानी याद आ गई। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर था कि हमको नानी याद आ गई। तो ये ग्रामर ऑफ फाइट शाय ऑफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर हमें इंग्लिश बोलनी है और इस तरीके के चीज़ें यूज़ करनी है तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो आसान तरीका था उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं जो हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। चलिए फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, देन वर्ब ऑक्सिलरी। वर्ब ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फाइट शाय ऑफ प्रेजेंट में यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, फाउट शाय ऑफ पास्ट टेंस के लिए, फाइटिंग शाय ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अक्सर नानी याद आती, रात में बाहर निकलने में मुझे नानी याद आती है, तो आई ऑफन फाइट शाय ऑफ गेटिंग आउट एट नाइट, रात में। देखिए यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, आई मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। आई ऑफन ओकेजनल, ये सब तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो आगे या पीछे। आई ऑफन फाइट शाय ऑफ, ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। आई ऑफन फाइट शाय ऑफ गेटिंग आउट, अब यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आई एन जे के साथ, गेटिंग आउट एट नाइट, रात में मुझे बाहर निकलने में अक्सर नानी याद आ जाती है। अब पास्ट टेंस में कल मुझे रात में बाहर निकलने में नानी याद आ गई, येस्टरडे आई फाउट शाय ऑफ गेटिंग आउट एट नाइट। अब हम इन वर्ड्स को लेते हैं, ठीक है, इन वर्ड्स के हेल्प से हम इसको यूज करेंगे कि मुझे पोलिंग बूथ, मुझे मतदान केंद्र तक जाने में नानी याद आती है। तो आई फाइट शाय ऑफ रीचिंग टू द, अब मतदान केंद्र की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ की आई फाइट शाय ऑफ रीचिंग टू द पोलिंग बूथ, मुझे वोट डालने में नानी याद आ गई। कल तो मुझे वोट डालने में नानी याद आ गई, तो येस्टरडे आई फाउट शाय ऑफ कास्टिंग वोट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट वोट। कास्ट वोट की हिंदी होती है वोट डालना, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट। उसके बाद मतदान पेटी में वोट डालने में मुझे नानी याद आ रही है, आई एम फाइटिंग शाय ऑफ कास्टिंग वोट इन मतदान पेटी, की इंग्लिश इज बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स मतदान पेटी को बोलते हैं। तो ये इलेक्शन के वक्त जितने भी यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आप इलेक्शन के दौरान अगर अंग्रेज़ी बोलने का आपको सिचुएशन आता है सामने तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीन वो और लिखे हैं, गेट चेकड अप, गेट क्योर्ड, गेट ट्रीटेड। अब गेट चेकड अप, गेट क्योर्ड, गेट ट्रीटेड, तीनों का सेम मीनिंग होता है, इलाज करवाना।
अब इलाज करवाने में मुझे नानी याद आ रही है, मुझे ये हम बहुत यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में कॉमन लैंग्वेज में कि मुझे झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने में नानी याद आ रही है। तो झोला छाप डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं क्वैक, हम क्वैक झोला छाप डॉक्टर को भी कहते हैं और क्वैक हम डक के साउंड को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ झोला छाप डॉक्टर आई एम, आप देखें यहाँ पे आई, यहाँ वर्ब ऑक्सिलरी क्या है एम, आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गेटिंग क्योर विथ क्वैक, यहाँ पे गेटिंग चेकड अप भी बोल सकते हो, गेटिंग क्योर भी, गेटिंग ट्रीटेड भी बोल सकते हो। तो आई एम फाइटिंग शाय ऑफ गेटिंग ट्रीटेड विथ क्वैक, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप और भी वर्ड्स यूज करके फाइट शाय ऑफ के ग्रामर को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए, यूज़फुल सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।